इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब चित्तौड़गढ़ में भी विभिन्न दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है और गांव-गांव जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ दूसरे प्रत्याशियों की खामियों को भी उजागर करने का काम शुरू हो गया है। इसी के अंतर्गत भाजपा प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान करने, विजयी बनाने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही त्रिकोणीय संघर्ष को देखते हुए अन्य प्रत्याशियों की कमियों को भी उजागर करते हुए देखे गए। उन्होंने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना तय है। वहीं उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ क्षेत्र उनके लिए नया नहीं है और वर्तमान में इस विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख रूप से रोजगार, बिजली और गुंडागर्दी है, जिसके ऊपर होमवर्क करके इनका समाधान किया जाएगा। मुद्दे यहाँ पे मुख्य रूप से रोजगार और बिजली और गुंडागर्दी, लॉ एंड ऑर्डर, ये तीन ही सामने दिख रहे हैं। और जैसा संकेत लग रहा है, पब्लिक का जो परसेप्शन लग रहा है, बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी तो बुलडोजर सरकार यहाँ पे आपका उसी स्टाइल से काम करके और गुंडागर्दी का तो आमूलचूल परिवर्तन करके खत्म करेंगे। मुख्य मुद्दे भी यहाँ पे काम करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे स्टेट में ज्यादातर काम नहीं करते, लेकिन आज देश को स्ट्रांग आदमी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो के हिसाब से भी देखें तो देश को बचाने वाला चाहिए। जो अगर तृतीय विश्व युद्ध हो जाए और नेहरू जी जैसे कोई प्रधानमंत्री हो तो देश को बचा लेंगे क्या? अगली पीढ़ी के लिए हमको खुद को सैक्रिफाइस करके भी कुछ करना हो तब भी वो करने का निर्णय लेने का मादा नरेंद्र मोदी में है, वो दूसरे में नहीं है। त्रिकोणीय संघर्ष है, पहली बार है तो इतिहास भी रचेंगे। चित्तौड़ का किले ने हमेशा इतिहास रचा है। हमारा सिंबल का जो वोटर है वो इंटैक्ट है और शराब और जीमन उसके किया है इनको विजन। मैं तो पूछता हूँ और गांव में, यहाँ पे भी आप देख लेना, वहाँ पे भी पूछा था जो पिछले गांव में आते कि क्या बड़ा काम यहाँ पे पिछले 15 साल में, एक बार कांग्रेस और दो बार वर्तमान में जो निर्दलीय प्रत्याशी है ये रहे हैं, क्या बड़ा काम हुआ है इस पंचायत में? एंड सब कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो हकदार नहीं है ना लेने के।